नेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। कोई भी एग्जाम होता है उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया होता है कि भैया 40% आएंगे तो पास, उससे पहले तो मेरिट में नहीं आना, मतलब फेल। वही सवाल के अंदर है कि भाई किसी एग्जामिनेशन में पासिंग पासिंग जो कैंडिडेट है उसको मिनिमम 100 में से 40 तो लाने। ए कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स। अब आगे क्या बोला गया कि एक कैंडिडेट है जिसके 220 नंबर आए, फेल्स बाय 20%, और साथ में बोल दिया गया 220 ला करके भी 20 नंबर से फेल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, आपसे पूछा गया है कि टोटल पेपर कितने नंबर का, ठीक है, टोटल पेपर कितने नंबर का, आओ इसके सॉल्यूशन। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, यहीं पर इसे लेट करो, यहीं पर इसे लेट करो। मान लेते हैं ए है मैक्सिमम मार्क्स। अब ए का 40% जब आएगा तो वो पासिंग मार्क्स हो, तो पासिंग मार्क्स क्या आ रहे हैं, ए का 40/100। बात समझ आई, ये क्या है पासिंग मार्क्स, इतने पर बच्चा पास। दूसरी कंडीशन पढ़ो, 220 नंबर लाया है, कितने लाया है 220 नंबर लेके आया, फेल हो गया 20 से, मतलब इस ये 20 और ले आता तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाते, बिल्कुल बॉर्डर पे तो आ ही जाता। कहने का मतलब इसे मैं ऐड करूं तो 240 आता है। अभी हमने देखा कि ये वैल्यू ए गुणा 40/100 के बराबर होनी चाहिए, ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग। इसे जरा सॉल्व करो, इससे कैंसिल, 4 ए को 100 से गुणा करो तो 600, ए का मान कितना आ गया 600।